और बड़ी खबर आपको बताते, महाराष्ट्र के सतारा पहुंचे शरद पवार, कराड़ में रैली करेंगे शरद पवार। बागियों के खिलाफ एनसीपी ने स्पीकर को पत्र लिखा, अजीत पवार समेत 9 एमएलए को आयोग घोषित करने की मांग की गई है। पवार ने जितेंद्र आवार को चीफ व्हिप नियुक्त किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीन तस्वीरें आपके सामने हैं और 42 विधायकों का दावा जो है वो किया है। बीच की तस्वीर आप देख सकते हैं, सतारा रवाना हुए शरद पवार, जहां वो अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आएंगे एनसीपी की रैली, और एनसीपी के चीफ व्हिप बने हैं जितेंद्र। तो महाराष्ट्र में लगातार सियासी हलचल जो है वो बढ़ी हुई है। कल जिस तरह से तस्वीर देखने को मिली, राजनीति के चाणक्य शरद पवार को एक बड़ा झटका जो है वो लगा है। अजीत पवार महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन चुके हैं। उधर शरद पवार भी भतीजे की हर चाल को मात देने के लिए कमर कस चुके हैं। एक तरफ अजीत पवार 42 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शरद पवार ने साफ कर दिया है कि अभी गेम ओवर नहीं हुआ है। शरद पवार सतारा में शक्ति प्रदर्शन के लिए पहुंचे और इन सबके बीच शरद पवार ने एनसीपी विधायक जितेंद्र को कमान सौंप दी है। उन्हें चीफ व्हिप नियुक्त कर दिया है। साथ ही विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए स्पीकर को भी चिट्ठी जो है वो लिखी गई है। तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और एक बार फिर ऐसा ही कुछ साबित हुआ है जिसमें एनसीपी के अजीत पवार की निष्ठा लंबे समय से संदिग्ध रही और वो उप मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए हैं। अरे शिवसेना को तोड़ दिया है, एनसीपी को कल तोड़ दिया है, कुछ लोग बोल रहे थे कांग्रेस को भी तोड़ने वाले हैं, महाराष्ट्र देश में तो बहुत जगह पर तोड़ दिया, लेकिन उससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। लोग गुस्से में है महाराष्ट्र के, और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे चले गए या एनसीपी के चले गए, एनसीपी के चले गए इसलिए हम खुश नहीं, और शिवसेना टूट गई इसलिए एनसीपी खुश नहीं है। हम सब मिलकर लड़ने वाले हैं। पार्टी मतलब शरद पवार, पार्टी कोई दूसरे की नहीं है, पार्टी मतलब शरद पवार, वो घड़ी मतलब शरद पवार, वो झंडा मतलब शरद पवार, वो जिसके साथ है उसके साथ पार्टी है, तो शरद पवार उनके साथ नहीं है। शरद पवार ने स्पष्ट बन तो एनसीपी में अजीत पवार की बगावत के बाद अब सवाल यही है कि पार्टी किसकी होगी। इसे लेकर खींचतान शुरू हो गई है, और अजीत और उनके 8 विधायकों के मंत्री बनने के करीब 10 घंटे बाद ही एनसीपी ने सभी बागियों के डिस्क्वालीफाई करने के लिए विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के पास याचिका दाखिल कर दी है। चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा गया है और इसमें कहा गया है कि पार्टी की कमान शरद पवार के पास है। शरद ने 1999 में पार्टी की स्थापना की थी। अजीत की पार्टी पर दावे से जुड़ी कोई भी अपील पर कार्रवाई करने से पहले उनके पक्ष को भी सुना जाए, उनके पक्ष को भी सुने। और स्पीच पार्टी ने जितेंद्र को विधानसभा विपक्ष का नेता और मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप नियुक्त किया है। और इस घर पर चेतन काशिकर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव हैं। चेतन, लगातार महाराष्ट्र की सियासत में उलटफेर देखने को मिले, सियासत गरमाती हुई नजर आ रही। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम जो है वो अजीत पवार बन चुके हैं, ऐसे में शरद पवार भी भतीजे की हर चाल को मात देने के लिए कमर कस चुके हैं। क्या कुछ आज की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है?
जी फिलहाल मैं हूँ अजीत पवार यानी जो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के नए का बने हुए उनके निवास स्थान पर हूँ। यदि आप देखें तो लगातार लोगों का तांता यहाँ पर बना हुआ है, जिस प्रकार से यहाँ पर राजनीति का गरमा रही है, क्योंकि एक तरफा राष्ट्रवादी के जो सर्वे सर्वा कहे जाते हैं वो है शरद पवार, जिन्हें एक पावर का सेंट्रिक का हमेशा रहे है। यदि आप हमें देखें तो सेंट्रल में हो या स्टेट में हो, हमेशा महाराष्ट्र राजनीति के लिए सबसे उमदा प्लेयर में से एक प्लेयर ये शरद पवार का नाम होता था, क्योंकि यदि अगर पावर सेंट्रिक और पवार ये दोनों भी एक समीकरण का हमेशा बना हुआ रहता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आज जब ये सियासती का जो दावपेच का बदल दिए गए और उसके बाद में यहाँ पर का ये पूरे की पूरी कारवा का यहाँ पर लगते गया, और जैसे ही यहाँ पर दो गट अलग बने हैं ऐसे पता चला तो राजनीति में एक बड़ा सा भौचाल बना हुआ है। यहाँ पर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने इसीलिए अजीत पवार इनके जो शासकीय निवास स्थान है उनके बाहर का यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ाई गई है। यहाँ पर यदि अगर देखें तो कुछ चार मंत्री जिन्होंने शपथ ली थी वो अभी का इनके ही निवास स्थान पर आ चुके हैं और पूरी जायजा ले रहे हैं कि हमें सबसे ज्यादा विधायक किस तरह से मिल पाए और विधायक का जो संख्या है वो कैसे हमारे पास बना रहे, इसी के तहत पर यहाँ पर ये सियासती राजनीति, क्योंकि यदि अगर देखें तो पहले कही जाती थी ये डबल इंजन वाला सरकार महाराष्ट्र में बना हुआ है तो अब ट्रिपल इंजन वाला सरकार महाराष्ट्र की राजनीति में देख रहे हैं। लेकिन जब से राष्ट्रवादी के सर्वे सर्वा शरद पवार इन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारा कोई भी समर्थन अजीत पवार और उनके साथ गए हुए विधायकों के पास नहीं है, उसके बाद में पूरा राजनीति का एक उछाल बुछाल का आने लग गया और यहाँ पर पूरी परिस्थिति एक अलग हो गई है। यहाँ पर का जो हमारे कैमरामैन रमेश है वो आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं अजीत पवार इनके जो निवास स्थान है वहां के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर यदि अगर देखें तो हम सवेरे से ही यहाँ पर लगातार कवरेज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग सा रुख बना हुआ है कि यहाँ पर कौन किसके का पर भारी गिर सकता है और किस तरह का सरकार बन सकती है, क्योंकि सरकार तो बनी हुई है लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो किस तरह से चला रहे हैं सरकार, ये कहीं ना कहीं तो भी एक घटने को अलग तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि विधायकों का आना है, विधायक कितने होंगे, विधायकों की संख्या क्या रहेगी, उस संख्याओं का आधार पर यहाँ के महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा रही है, ये बात तो तय है। जी चेतन, अगर पार्टी की बात करें अजीत पवार के बाद अगर बात की जाए बगावत के बाद, अब ये पार्टी किसकी होगी?